मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। पिछले तकरीबन एक डेढ़ हफ्ते से लगातार इस पे सोशल मीडिया पे बहस चल रही है, और आप ये अखबार की कटिंग देखिए, इसमें लिखा है कि अजमेर नहीं जाए मुसलमान। ये अखबार की कटिंग है, और जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं वो ये बात जानते हैं कि पिछले एक डेढ़ हफ्ते से हंगामा इस बात पर मचा हुआ है कि जिन लोगों ने अजमेर का टिकट कटा लिया है वो टिकट कैंसिल कर दें, इस बार अजमेर न जाए मुसलमान। और आपको हैरानी इस बात की होगी कि अजमेर जाने से रोकने वाले पहले वो लोग हुआ करते थे जो दरगाहों के मुखालिफ थे। पहले वो लोग थे जो दरगाहों को नहीं मानते थे, वो कहते थे कि भैया अजमेर न जाओ, और उनकी हिम्मत भी इतनी नहीं होती थी कि किसी पब्लिक प्लेस पे आके ये बात कह सकें कि गरीब नवाज की बारगाह में मत जाओ। अब तो हालात बदल गए, अब तो वो खुद कहते हैं कि बुजुर्गों की बारगाह में जाने से सुकून मिलता। लेकिन वो लोग जो एक लंबे जमाने से बुजुर्गों के नाम पे फातिहा पढ़ के पैसे कमा रहे, अब ये ऐलान उनकी तरफ से हुआ कि अजमेर नहीं जाए मुसलमान। ये मिंबर पे मैं बैठा हूं, यहां ये किसका सदका है? गरीब नवाज का सदका है ना। तुम यहां बैठे हो नमाज पढ़ने के लिए आए हो, ये किसका सदका है? गरीब नवाज का सदका है ना। हमारी मस्जिदों में अल्लाह की अजान बुलंद हो रही है, किसका सदका है? ख्वाजा मुइनुद्दीन का सदका है ना। और ये जो मिंबर है और ये जो मस्जिद है, हमारे मोहल्ले की पार्लियामेंट, और आप अदालत हैं, और अल्लाह पाक ने मुझे इस ऊंची जगह पर इसलिए बैठाया है ताकि मैं आपको हालात से वाकिफ करा सकूं, मैं आपको बता सकूं कि दुनिया में चल क्या रहा है। अगर हम इन मिंबरों पर बैठकर के अल्लाह के दोस्तों की इज्जतों की बात नहीं कर सके तो लानत है हमारी जिंदगी पर। अगर हम इन मिंबरों पर बैठ करके अपने मोहसिन के एहसान का तस्किरा नहीं करते तो लानत हमारी जिंदगी पर। गरीब नवाज की बारगाह में जाने से रोकने के लिए ऐलान हुआ, वजह उसकी क्या है? वजह उसकी यह है कि जिस तरह से हर उर्स में एक एडवाइजरी जारी होती है, एक सर्कुलर जारी होता है कि जी इस बार उर्स में ये होगा, ये नहीं होगा, हर खानकाह, हर दरगाह, हर पॉलिटिकल प्रोग्राम, हर सोशल इवेंट का कोई ना कोई सर्कुलर जरूर होता है, कोई ना कोई उसका कानून जरूर होता है। तो दरगाह अजमेर शरीफ से यह ऐलान हुआ कि गरीब नवाज के उर्स में किसी भी तरह की नारेबाजी नहीं होगी, गरीब नवाज के उर्स में किसी भी नए सलातो सलाम को नहीं पढ़ा जाएगा, वो जो कदीमी रिवायत है, वो जो कदीम सलातो सलाम है या नबी सलाम अलैहि का, वही पढ़ा जाएगा। यह ऐलान हुआ गरीब नवाज की बारगाह से। क्यों हुआ? क्योंकि गरीब नवाज की बारगाह कोई 100-150 साल पुरानी बारगाह नहीं है। गरीब का आस्था, गरीब नवाज का आस्ताना 100-150-200 साल पहले बना हुआ नहीं है। गरीब नवाज को अल्लाह पाक ने यहां 12वीं सदी में भेजा था, और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 800 साल से इस मुल्क में आराम फरमा रहे। इन 800 सालों में न जाने कितने लोगों ने सलातो सलाम लिखे होंगे इस हिंदुस्तान में। करोड़ों लोग हैं जिसने नबी की शान में सलातो सलाम लिखा होगा, करोड़ों लोग हैं जिन्होंने नारे ईजाद किए होंगे, लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में हमेशा जो सलाम पढ़ा जाता रहा, उस बारगाह से यह ऐलान हुआ कि जो सलातो सलाम हमेशा पढ़ा जाता रहा है वही सलातो सलाम हमेशा पढ़ा जाएगा, और खानकाह के अदब का, दरगाह के अदब का, दरगाह के एहतराम का ख्याल रखें। यह सर्कुलर वहां से जारी हुआ, और यह सर्कुलर जैसे ही जारी हुआ तो फिर सोशल मीडिया पे आके अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मुख्तलिफ तरीकों से लोगों में इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की कि जी वहां जाने से हमें रोक रहे हैं, वहां जाने से हमें मना कर रहे हैं। यानी जिस बात का ऐलान किया गया था उस बात को इधर उधर आगे पीछे उसमें मिलाकर लोगों में इस तरह की गुमानियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब नवाज की बारगाह से लोगों का रिश्ता टूट जाए। फिर क्या हुआ कि भैया क्यों ना जाए अजमेर शरीफ? कहा अजमेर शरीफ में राबजी रहते हैं, वो जो सारे खुदा हैं वो राबजी हो गए। अब मुझे ये बताइए कि मक्का में बजाहिर किसकी हुकूमत है? मक्का में बजाहिर किसकी हुकूमत है? वहाबियों की हुकूमत है ना, आले सऊद की हुकूमत है। तो अब आले सऊद की हुकूमत की वजह से क्या हम मक्का जाना छोड़ देंगे? सिर्फ गर्दन मत हिलाइए, आवाज निकालिए। क्या आले सऊद की हुकूमत की वजह से हम हज करना छोड़ देंगे? मदीना शरीफ में बजाहिर यूं तो सारी कायनात में मेरे आका की हुकूमत है, लेकिन बजाहिर मदीना शरीफ में देखभाल कौन करता है, वो कौन लोग हैं? बजाहिर मदीना शरीफ में वहाबियों की हुकूमत है ना, तो मुझे बताओ उनकी हुकूमत की वजह से तुम क्या मदीना जाना छोड़ दोगे? जोर से जवाब दीजिए आज।
और दुनिया को पता चले कि गरीब नवाज की बारगाह की तरफ उंगली उठाना आसान नहीं है। ख्वाजा मुइनुद्दीन ने वो दौलत हमें अता फरमाई है कि कायनात की सारी दौलतें कुर्बान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पर, और हम उनके एहसान मंद हैं। इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी ख्वाजा से प्यार करते हैं, क्योंकि गरीब नवाज ने मोहब्बतों का पेड़ लगाया है और उसी के साए में हम आज रह रहे हैं। तो गरीब नवाज की बारगाह में जाने से रोकने वालों को हम पैगाम आज यहां दे रहे हैं। मुझे बताओ कि अगर मदीने में दूसरों की हुकूमत बजाहिर है तो क्या मदीना जाना छोड़ोगे? बगदाद में बजाहिर किसी और की हुकूमत है, शियों की हुकूमत है, तो क्या उनकी हुकूमत की वजह से बगदाद जाना छोड़ोगे? करबला में नजफ अशरफ में बजाहिर शियों की हुकूमत है, तो क्या उनकी हुकूमत की वजह से तुम करबला जाना छोड़ोगे? तो ना मक्का जाना छोड़ा जा सकता है वहाबियों की वजह से, ना मदीने अले आका की बारगाह में छोड़ा जा सकता है जाने से उनकी हुकूमत की वजह से, शियों की वजह से, ना करबला की हाजिरी छोड़ी जा सकती है। अगरचे पूरे अजमेर में बिलफर्ज शियों का और राफजियों का कब्जा भी हो जाए, तो हिंदुस्तान के मुसलमान राफजियों को सलाम करने के लिए नहीं, खुद्दाम के लिए नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान ख्वाजा मुइनुद्दीन को सलाम करने के लिए जाते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, वो किसी और की बारगाह में नहीं जाते, वो ख्वाजा मुइनुद्दीन को सलाम करने के लिए जाते हैं। ऐसा ही है ना? किसकी बारगाह में जाते हो? गरीब नवाज की बारगाह में जाते हो। और ये बात याद रखना कि गरीब नवाज को सुल्तानुल हिंद मौलवियों की कोशिशों ने नहीं बनाया है। यह पूरा मुल्क गरीब नवाज के आस्ताने पर इसलिए जमा होता है क्योंकि ख्वाजा मुइनुद्दीन को रसूल अल्लाह ने सुल्तानुल हिंद बना के भेजा है। इस हिंदुस्तान के सुल्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन है और उनको बारगाह रिसालत से यह खिताब मिला है और हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन को सुल्तानुल हिंद बनाया है। तो ये जो मरकज बनाया है ये मौलवियों के जलसों ने नहीं, अल्लाह के रसूल ने बनाया है। ख्वाजा मुइनुद्दीन की बारगाह वो बारगाह है कि जिसको सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। ताए रसूल की बारगाह में लोग इस वजह से जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी जिंदगियों पर एहसान किया, हमारी नस्लों पर एहसान किया। आज हमारी मस्जिदों में अजानों की आवाजें बुलंद हो रही हैं, तो यह एहसान है हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन का। अगर हमारी मस्जिदों में लोग सजदे अल्लाह को कर रहे हैं, तो यह एहसान है ख्वाजा मुइनुद्दीन का। वरना हमारी पेशानियां तो पत्थरों के सामने झुकती थी, हम तो दरियाओं के सामने झुकते थे, हम तो समंदरों के सामने झुकते थे, हम तो पेड़ों को सजदा करते थे। लेकिन इस दुनिया में, इस मुल्क में, हिंदुस्तान में ख्वाजा मुइनुद्दीन दीन ने आकर के इस पेशानी को पत्थरों के आगे से उठा करके मौला की बारगाह में लाकर झुका दिया। हम एहसान मंद हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के, और इस एहसान को हम मानते हैं गरीब नवाज के। इसलिए यह कहना कि जी उनकी बारगाह से अब यह ऐलान हो गया है तो वहां के टिकट कैंसिल करा लो, लोगों को यह लगता है कि हम टिकट कैंसिल करा देंगे तो ख्वाजा मुइनुद्दीन की बारगाह में भीड़ कम हो जाएगी। उन जालिमों ने यह गुमान कर लिया कि अगर हम गरीब नवाज की बारगाह में नहीं जाएंगे तो वहां आस्थाने पर भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन यह बात याद रखना, इस मुल्क के लोगों को अगर यह गुमान हो गया है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन के आंगन में रोशनी और रौनक तुम्हारी वजह से, तो अपनी इस बदगुमानी को दूर कर लेना। तुम अगर नहीं भी जाओगे तो अल्लाह पाक ने इस मुल्क में टीके वालों को, पगड़ी वालों को, साई वालों को, साड़ी वालों को इतनी मोहब्बतें अदा कर दी है कि तुम अगर वहां जाना छोड़ भी दोगे तो गरीब नवाज के आंगन की रौनक कम नहीं होने वाली। और उसकी वजह पहली बात तो यह है कि गरीब नवाज के आंगन में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के यौम विसाल के मौके पर फातिहा होती है, जिसका लंगर खुद मैंने खाया है। अब वहां के हवाले से प्रोपेगंडा यह किया जा रहा है कि वहां खुलफाए राशिदीन को नहीं मानते। ये बात याद रखना मुसलमानों के, अगर तुम सच जानते हो और फिर भी तुम्हारे सामने झूठ परोसा जा रहा है, तो जितना झूठ बोलने वाला गुनहगार है उतना ही तुम उस झूठ पर खामोश रहने वाले भी गुनहगार हो।
इसलिए हम इस झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि अपनी आंखों से देखा है। गरीब नवाज की बारगाह में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के यौम विसाल के मौके पर फातिहा भी होती है और लंगर भी होता है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के यौम विसाल के मौके पर फातिहा और लंगर होता है। सैयदना उस्मान बिन अफान के यौम विसाल के मौके पर वहां फातिहा और लंगर होता है। लेकिन मौलाए कायनात अली शेर खुदा के यौम शहादत के मौके पर अली अली इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ख्वाजा मुइनुद्दीन अली मौला की औलाद हैं और हर बेटे के यहां यह फर्ज होता है कि वो अपने बाप का नाम ज्यादा लेता है। तो हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन और हुसैन की औलाद है, इस वजह से गरीब नवाज की बारगाह में हैदर मौला अली अली मौला का तस्किरा ज्यादा होता है। तो अली अली मौला हैदर मौला करने की वजह से अगर तुम गरीब नवाज के खादिमों को राफजी कहते हो तो याद रखना कि इस 1400 साल की उम्मत में, इस 1400 साल की तारीख में हर वली का विर्द उठा के देखोगे, हर वली का वजीफा उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा कि जो ऐलान रसूल अल्लाह ने गदीर खुम में फरमाया था कि मन कुंत मौलाहू फहादा अलीयुन मौलाहू, कि मैं जिसका मौला हूं और अली उसके मौला है। इसी विलायत की और मौलायत की मुबारकबाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी दी थी, हजरत उमर बिन खत्ताब ने भी दी थी और कहा था कि अली तुम्हें मुबारक हो, आज से तुम हमारे भी मौला हो, हर मोमिन के मौला हो। तो मौला अली को मुबारकबाद सबसे पहली अबू बकर सिद्दीक ने दी, उमर बिन खत्ताब ने दी। आज भी कायनात में और इस उम्मत में अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर बिन खत्ताब की सुन्नत को हर वली की जिंदगी में अपनाया जाता है कि हर खानकाह में अली अली मौला हैदर मौला का तस्किरा ज्यादा होता है। तो इसलिए गरीब नवाज की बारगाह में यह प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है कि वहां खुलफाए राशिदीन को नहीं माना जाता। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, वो तो हर जगह होते हैं, कुछ अच्छे लोग और कुछ बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। एक बाप की सारी औलादें एक तो नहीं होती ना, हर सिस्टम में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन जो मक्खी होती है ना, उसकी आदत गंदगी में बैठने की होती है। को कुछ लोगों को बिल्कुल मक्खी की सिफत अता हुई है कि उनको सिर्फ गलत दिखाई देता है, उनको सिर्फ गंदगी दिखाई देती है और वो सिर्फ गंदगी देखते हैं। उस गरीब नवाज की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक के यौम विसाल के मौके पर फातिहा होती है, ये नहीं दिखाई देता। उमर बिन खत्ताब की फातिहा होती है, वो नहीं दिखाई देता। हजरत उस्मान बिन अफान की फातिहा होती है, वो नहीं दिखाई देता। अली अली मौला हैदर मौला से चिड़ क्यों है? उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली तुमसे मोमिन बुग्ज नहीं रख सकता और मुनाफिक तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। तो यह अपनी फितरत से परेशान है कि इनके दिल में मुनाफिकत है तो अली अली से चिड़ होती है, इनके दिल में मुनाफिकत है तो अली अली से इन्हें परेशानी होती है। तो गरीब नवाज के आंगन की रौनक को खत्म करने के लिए इन जालिमों ने यह ऐलान किया कि जिनके टिकट हो गए वो कैंसिल करा दें, हम फातिहा अपने घर से पढ़ेंगे। इनको लगता है कि गरीब नवाज की बारगाह की रौनक इनके आने जाने की वजह से है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन की बारगाह में जितने इंसान होते हैं उससे कहीं ज्यादा जिन्नात होते हैं और जिन्नात की तादाद इतनी बड़ी है ख्वाजा मुइनुद्दीन की बारगाह में कि इंसानों को तो पैर रखने का मौका मिल भी जाता है लेकिन जिन्नात की तादाद इतनी बड़ी है कि उनको पूरा पैर रखने का भी मौका नहीं है। हजारों जिन्नात है गरीब नवाज की बारगाह में जो सिर्फ एक अंगूठे पर खड़े होकर के गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं और उस बारगाह में जाकर के चूंकि चंद दिनों से ये ऐसी ऐसी बेअदबियां वहां गुस्ताखियां की जा रही थी, जिसका जो मना रहा है सलाम पढ़ रहा है, जिसका जो मना रहा है बात कह रहा है, जिसका जो मना रहा है जिसका भी नारा लगा रहा है, उस बारगाह में जाकर के गरीब नमाज की यानी आका की बारगाह में जाकर के गुलामों के नारे लगाए जा रहे थे। गरीब नमाज की बारगाह में हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और हमें अदब सिखाया गया और हमें यह बताया कि खुदा के दोस्तों के साथ में दुश्मनी खुदा के साथ ऐलान जंग है। इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो आवाज तो निकालने की बात दूर रही, सांसें भी इतनी आहिस्ता लो कि तुम्हारी सांसों की वजह से कहीं उस बारगाह की बेद भी ना हो जाए। यह सिखाया गया हमें और यह अमल किया लोगों ने और जब इस अदब और एहतराम के साथ उस बारगाह में बुजुर्गों ने हाजिरियां दी
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में हाजिरी देने की वजह से, अदब और एहतराम की वजह से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी बनाया है। उस बारगाह में अदब और एहतराम के साथ हाजिरी हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाबा फरीद बना दिया। उस बारगाह में अदब और एहतराम के साथ हाजिरी हुई तो अल्लाह पाक ने निजामुद्दीन महबूब इलाही बना दिया। पूछो कि हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी पर किसका फैजान है तो तारीख बताएगी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन का फैजान है। पूछो हजरत अमीर खुसरो की शायरी पर किसका फैजान है तो लोग बताएंगे कि हजरत गरीब नवाज का फैजान है। पूछो हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिरागे दिल्ली पर किसका फैजान है तो कायनात बताएगी कि उस फैजान की इब्तिदा जो महबूब इलाही से उनको मिला उसकी इब्तिदा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से हुई थी। और बुजुर्गों ने यह सिखाया कि लोगो जब भी तुम अदब के साथ इन बारगाहों में हाजिरी दोगे तो नवाज दिए जाओगे और अगर इन बागाहों में जरा सी गुस्ताखी हो गई तो बर्बाद कर दिए जाओ, क्योंकि ये अल्लाह के वली की बारगाह। और आप देखिए कि अदब सिखाया इन बारगाहों में हाजिरी का हमारे सूफिया ने। अक्सर गरीब नवाज के खुद्दाम अक्सर खानकाह नसीरिया शाही बाग से मुरीद हैं। शिया किससे मुरीद होते हैं? शिया सुन्नियों के हाथ पर बैत करते देखे हैं कभी? मैं जानता हूं पर्सनली, और यह सच पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि आपने मुझे मिंबर पर बैठाया है और मैं आपकी आंखें खोलूं और आपको बताऊं कि हकीकत क्या है। गरीब नवाज के अक्सर खुद्दाम फारूक सरकार से मुरीद हैं और खानकाहों में तो यह सबक हमेशा दिया जाता रहा। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती बापू ने मुझे बताया कि हमारी खानकाह में आज भी खानकाह के हर फर्द के लिए यह हुक्म है कि जब भी वो गरीब नवाज की बारगाह में जाएंगे तो अपनी आंख उठा करके उनके गुंबद की तरफ नहीं देखेंगे। क्या फरमाया? कि जब भी गरीब नवाज की बारगाह में जाएंगे तो अपनी आंख उठा करके गुंबद की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि आंख उठाकर देखना भी बेअदबी कहलाती है। हम ये मानते हैं कि हमारे बुजुर्ग जिस तरह से अपनी जाहिरी हयात में जाहिरी आंखों से देखते थे, आज दुनिया से जाने के बाद भी हमें वो मुलाहिजा कर रहे हैं। ये नारा तो लगाते हैं इस बात का कि हमारे सूफिया जिंदा है, इस बात का नारा लगाने के बावजूद भी बुजुर्गों की बारगाह में इतनी बेअदबियां, इतनी गुस्ताखियां, इतनी जोर जोर से नारे। यानी तुम्हारा अकीदा कि वो जिंदा और उनकी जिंदगी की मौजूदगी में तुम नारे जब किसी और के लगाते हो तो एहसास नहीं होता कि यहां बेअदबी हो रही है, गुस्ताखी हो रही है? तो लोग इस तरह की हरकतें गरीब नवाज की बारगाह में जाके करते हैं। और हमारे सूफिया ने अदब सिखाया उस बारगाह के कि जब भी उस बारगाह में जाओ तो हमेशा अपनी निगाहों को नीचे करके जाओ। लोग जाते हैं प्रोटोकॉल के साथ, मुरीदों की भीड़ के साथ, 20-25 लोग जो है साथ में चल रहे होते हैं और नारेबाजी करते हैं गरीब नवाज की बारगाह में। ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में हमारे सूफिया, हमारे औलिया बुजुर्गान दीन अपनी पहचान खत्म करके जाते थे, अपनी शनाख्त खत्म करके जाते थे और गरीब नवाज की बारगाह में जाके कहते थे कि हुजूर मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बस आपके कदमों की बरकत का सदका मुझे मिल गया। लोगों का अदब और एहतराम यह था जिस बारगाह में जाकर के आज बेहुरमती लोग कर रहे हैं, जिस बारगाह को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा साहब अजमेर मत जाइए, वहां पर जो है भीड़ बहुत ज्यादा होती है। यानी खुद्दाम को तो निशाना बनाया गया, गरीब नवाज की बारगाह तो उनका बहाना, खुद्दाम को बहाना बनाया गया, गरीब नवाज की बारगाह निशाना है। और वहां की भीड़ से बड़ी प्रॉब्लम है कि ये भीड़ इतनी इकट्ठी क्यों होती है? यहाँ ये भीड़ क्या अपनी मर्जी से इकट्ठी होती है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ये भीड़ जो हजरत ख्वाजा के आस्थाने पर जमा होती है अपनी मर्जी से जमा नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील को बुलाता है और अल्लाह फरमाता है कि जिब्रील मुझे फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है, तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं बारी ताला मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम भी मोहब्बत करो, तो जिब्रील अमीन भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं बारी ताला अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जिब्रील सारे फरिश्तों को बता दो कि अल्लाह को जमीन पर रहने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन से मोहब्बत हो गई है, तो सारे फरिश्ते मोहब्बत करने लगते हैं। अब सारे फरिश्ते बारगाह मौला में अर्ज करते हैं कि बारी ताला अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरे फरिश्तों अब जमीन में फैल जाओ, जिसके दिल को भी साफ देखो उसके दिल में मेरे मोइनुद्दीन की मोहब्बत डालते चले जाओ, जिसके दिल को भी साफ देखो उसके दिल में मेरे वली की मोहब्बत डालते चले जाओ।
तो लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में खुद से नहीं जाते, अल्लाह की तौफीक से जाते हैं। लोग हजरत ख्वाजा की बारगाह में खुद से नहीं जाते, अल्लाह के फजल से जाते हैं। लोग हजरत गरीब नवाज की बारगाह में खुद से नहीं जाते, बल्कि गरीब नवाज जिसे अपने दर पे बुलाते हैं वही ख्वाजा की बारगाह में जाते हैं। तो लोग गरीब नवाज की बारगाह में रोकने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मंसूबा कर रहे हैं, लेकिन उन जालिमों को यह नहीं पता कि ख्वाजा साहब की मोहब्बत लोगों के दिलों में मुल्ला ने नहीं, अल्लाह ने बिठाई हुई है। और गरीब नवाज की बारगाह में रोकने वाले लोग दुनिया से खत्म हो गए, उनका नामो निशान मिट गया, लेकिन गरीब नवाज का आस्ताना आज भी सलामत है, कल भी सलामत था, कयामत तक सलामत रहेगा, क्योंकि गरीब नवाज की बारगाह किसी दुनियादार की बारगाह नहीं, रसूलुल्लाह के शहजादे की बारगाह है, सुल्तानुल हिंद की बारगाह है। तो लोग उस बारगाह में जमा होते हैं अल्लाह की तौफीक की वजह से। और सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बहुजन दलित पारसी, यानी टीका टोपी पगड़ी टाई बुरका साड़ी सब जमा होते हैं। पता है क्यों जमा होते हैं? क्योंकि गरीब नवाज ने लोगों को काटा नहीं है, लोगों को जोड़ा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बंदे की खुदा के साथ सुलह कराई है। क्या कराया है? बंदे की खुदा के साथ सुलह कराई है ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। इन नफरती चिंटुओं का तो तरीका यह है कि वो लोगों को काटते ही फिरते हैं, ये सुन्नी नहीं, ये सुन्नी नहीं, वो सुन्नी नहीं, ये सुन्नी नहीं, ये काफिर वो काफिर। गरीब नवाज इस मुल्क में लोगों को काफिर बनाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने आठों दरवाजे लोगों को इस्लाम में दाखिल करने के लिए खोले थे। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बंदे की खुदा के साथ सुलह कराई, बंदों की आपस में सुलह कराई। आज नफरत के इस वातावरण में भी अगर एक बारगाह में इस देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस देश का कंपोजिट कल्चर, इस देश की गंगा जमनी तहजीब अगर एक आंगन में देखने को मिलती है, तो वो कोई और आंगन नहीं है, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह है, कि जहां टीका भी है, टोपी भी है, पगड़ी भी है, टाई भी है, बुरका भी है, साड़ी भी है, अल्लाह की सारे मखलूक जमा होकर के ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में मोहब्बतें पे फूल निछावर कर रही। और जो अल्लाह के लिए मर जाता है वो तो हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है ना, जो खुद के लिए मर जाता है उसका महल भी वीरान हो जाता है, और जो खुदा के लिए मर जाता है उसकी कब्र भी आबाद हो जाती है। तो गरीब नवाज का आस्ताना आबाद है, इस वजह से प्रॉब्लम है। तो खुद्दाम को निशाना बनाया गया, बारगाह गरीब नवाज की बहाना के वहां इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी होती, वहां इतना नजराना क्यों दिया जाता है, यानी अपने नजराने से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनको नजराना दें तो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये ज्यादा हो गया, आप वापस रख लीजिए, कभी नहीं कहेंगे। क्या कहा गया गरीब नवाज के खुद्दाम को? कि वो लुटे ने, गरीब नवाज के खादिमों को लुटेरा कौन कह रहा है पता है? ढाई पारे की सूरह बकरा 10 मिनट में पढ़ने वाले मौलवी किस मुंह से गरीब नवाज के खादिम को लुटेरा कहते हैं? नातों के नाम पर इश्के रसूल में मचलने वाले और अपने अकाउंट में पहले 20-25 हजार रुपए डलवाने वाले और स्टेजों पे आकर के नाच गाने करने वाले गवैये, नातों के नाम पर, इश्क के नाम पर ढोंग करने वाले ये शायर किस मुंह से ख्वाजा गरीब नवाज के खादिमों को लुटेरा कहते हैं? यानी वो लोग जो पूरी की पूरी कौम की जकात खा गए, जकात की कमीशन खा के जिन्होंने अपने पेट भरे कर लिए, पूरी कौम को लूट लिया उन्होंने, और पूरी कौम को लूट के ये लुटेरे किस मुंह से गरीब नवाज के खादिमों को लुटेरा कहते हैं? साहब इस हम्माम में तो सभी नंगे हैं, लूटने का तरीका जरा मुख्तलिफ है, लुटेरे तो फिर सभी है। अगर गरीब नवाज के खादिम लुटेरे हैं तो गंगा नहाया हुआ कौन है? अगर गरीब नवाज के खादिम लुटेरे हैं तो साफ सुथरा दूध का धुला कौन है? याद रखो कि गरीब नवाज के खादिमों की तरफ उंगली उठाई है तो वो खादिमों की तरफ उंगली नहीं उठाई, वो तो ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ उंगली उठाई। और हम कोई चैलेंज नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि हम तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे, हम तुम्हारी उंगली काट देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे, ना, हम तो रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती हैं, हम कभी हिंसा की बात नहीं करते। हमें ख्वाजा साहब ने सिखाया कि लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हम गरीब नवाज के गुलाम हैं, इसलिए कभी ये नहीं कहते कि इनको इस्लाम से खारिज कर दो, इनको दीन के दायरे से बाहर कर दो। हमारी तो सारी कोशिश ये है कि सारी दुनिया में इस्लाम का चिराग रोशन हो जाए,
हर अंधेरे दिल में ईमान का चिराग रोशन हो जाए। इसलिए कभी हम तो ये चैलेंज नहीं करते, लेकिन हाँ इस बात का मैं ऐलान करता हूं, अल्लाह की तौफीक और अल्लाह पर यकीन रखते हुए इस बात का ऐलान मैं मुख्तार शब इस मस्जिद में करता हूं कि लोगों ने गरीब नवाज की बारगाह में जाने से लोगों को रोका है और उस बारगाह में जाने की वजह से टिकट कैंसिल करा दिए, लेकिन हाँ इस बात का मैं दावेदार हूं कि दुनिया के इन जालिमों ने अल्लाह के एक वली की बारगाह में जाने से लोगों को रोका है। यह आसमान देखेगा और यह जमीन देखेगी कि इस बार 2023 की छठी में खाजा की बारगाह में भीड़ इतनी ज्यादा होगी कि जहां तक निगाहें जाएंगी गरीब नवाज के गुलामों का समंदर नजर आएगा, गरीब नवाज के गुलामों के सर नजर आएंगे। मैं ये जानता हूं क्योंकि लोग गरीब नवाज की बारगाह में खुद की मर्जी से नहीं जाते, खुदा की मर्जी से जाते हैं। लोग खुद की तौफीक से नहीं जाते, खुदा की तौफीक से जाते हैं। इसलिए गरीब नवाज की बारगाह की तरफ अगर आज उंगली उठी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दोस्तों की इज्जतों की हिफाजत करना जानता है। ये दुनिया जाएगी और याद रखना कि जो बाअदब होता है वो बानसीब होता है। कभी भी खाजा की बारगाह में जाओ तो यह मत देखना, यह मत सोचना कि गरीब नवाज मुलाहिजा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने खाजा को वो नजर अता फरमाई है कि जिस तरह वो अपनी जाहिरी हयात में देखते थे आज भी देख रहे हैं। हजरत बहलूल दाना एक बहुत बड़े सूफी रहे जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत में खुद को पागल कर लिया था। वह बहलूल दाना, बहलूल दाना से एक शख्स आया और वो कहता है कि हुजूर मैं तिजारत करता हूं मगर तिजारत में बरकत नहीं होती, कुछ नुस्खा बता दीजिए ताकि तिजारत में बरकत हो जाए। जब वो आया तो दो जानू होके बैठा, उसकी उसकी नजरों में हया थी, उसके लहजे में झुकाव था, अदब था, एहतराम था, आजिज़ी इनके सारे थी। जब वो बहलूल दाना की बारगाह में आया तो कहा कि हुजूर कुछ अता कर दें, बता दें। तो हजरत बहलूल दाना फरमाते हैं कि जाओ शहर में जितना काला कपड़ा है अपने पैसे से वो काला कपड़ा खरीद लो, सियाह कपड़ा खरीद लो। और उसने वो कपड़ा खरीद लिया। कुछ दिन बाद में शहर के एक बहुत बड़े मालदार का इंतकाल हुआ तो पूरे शहर ने सोग में काला कपड़ा खरीदा और काले कपड़े का इस्तेमाल किया। यानी ये जो शख्स था अचानक इसका कारोबार तरक्की कर गया। बताया किसने था? बहलूल दाना ने। दुआ किसकी थी? बहलूल दाना की। क्यों थी? क्योंकि अदब के साथ आया था, आजिजी के साथ आया था, नजरें झुका के आया था, दो जानू होकर के बैठा। अब जब पैसा इसके पास आया, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं अल्लाह करे आपको समझ में आए। लोग आते हैं बड़ी इज्जत और एहतराम से, जब कुछ मिल जाता है तो भूल जाते हैं। यानी जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, अब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े, यह हालत है। तो बहलूल दाना से उस शख्स ने कहा कि हुजूर कुछ अता फरमाने। फरमाया बहलूल दाना ने कि काला कपड़ा खरीदो। वह काला कपड़ा उसने खरीदा और सियाह कपड़ा खरीद करके जब मार्केट में लाया तो रईस का इंतकाल हुआ तो लोगों ने सोग में वो कपड़ा खरीदा और अचानक वो मालदार हो गया। अब क्या हुआ? जब पैसा उसके पास आया तो घोड़े पे चढ़ के आया, घोड़े पे चढ़ के आया। बहलूल दाना बैठे हैं और ये जालिम बदबख्त बेअदब बेनसीब घोड़े पे बैठ के कहता है कि अब बताओ बहलूल दाना अब कौन सा काम करूं। समझ रहे हैं आप? अगर दुनिया में किसी ने इल्म का काम किया है, दीन की खिदमत की है, अगर दुनिया में कोई इमाम आजम अबू हनीफा बना है तो कसम खुदा की उसमें दुआएं शामिल है हजरत इमाम जाफर सादिक की। दुनिया में अगर कोई बड़ा आलिम बनता है, अगर कोई कलम चलाता है, किताबें लिखता है, जबान से बोलता है, अगर मैं यहां बैठ करके बोल रहा हूं तो कसम खुदा की ये खानकाह में बैठे हुए किसी फकीर की दुआओं का असर है। मैं बड़ा एहसान फरामोश हूंगा अगर मैं अपने बुजुर्गों की बारगाहों का अदब भूल जाऊं। लेकिन ये कैसे लोग हैं जो बुजुर्गों की बारगाहों का अदब भूल गए, एहतराम भूल गए? बहलूल दाना से वो शख्स कहता है घोड़े पे बैठ करके अब बताओ क्या करूं। तो हजरत बहलूल दाना ने फरमाया कि जाओ अब जितने तरबूज है वो सारे तरबूज खरीद लो। अब उसने तरबूज खरीदे और फिर सीजन था, चल रहा था, कभी उसकी कमाई नहीं हुई, सीजन खत्म हो गया, सारे तरबूज सड़ गए। अब फिर आया हजरत बहलूल दाना की बारगाह में, कहा हुजूर ये तो बड़ा गजब हो गया, मेरे सारे तरबूज सड़ गए, पहले वाला माल तो बिक गया। तो हजरत बहलूल दाना ने फरमाया कि जब तू पहले आया था वो कहता है कि वजह क्या है, दोनों बातें आपने बताई थी। तो हजरत बहलूल दाना फरमाते हैं कि जब तू पहले आया था अदब के साथ आया था, एहतराम के साथ आया था, झुक करके आया था, नजरों में शर्म हया लेके आया था, लेकिन जब तू कुछ हासिल करके आया है तो गुरूर तकब्बुर और घमंड के साथ सीना तान करके आया है। और जो गुरूर घमंड और तकब्बुर करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तकब्बुर को जमीन में मिला देता है। इसलिए यह मत समझ लेना कि आपने बहुत कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं किया।
आप जैसे लोग गरीब नवाज की बारगाह में हर जमाने में पानी भरते रहे हैं, गरीब नवाज के खादिमों को वजू कराते रहे आप जैसे लोग हर जमाने में, इसलिए कभी अपने आप को इल्म का बुखार अपने दिमाग पर सवार मत कर लेना। गरीब नवाज से बड़ा इस मुल्क में ना कोई मुहद्दिस है ना कोई फकीह है, गरीब नवाज से इस मुल्क में गरीब नवाज से बड़ा ना कोई मुफस्सिर है ना कोई मुहद्दिस है। अरे जहां पर तुम्हारे इल्म की इंतहा होती है वहां से ख्वाजा मुइनुद्दीन के इल्म की इब्तिदा होती है। वो गरीब नवाज की बारगाह है, वो बाबे मदीनतुल इल्म का फैज लिए हुए। इसलिए मैं अपील नहीं करूंगा आपसे कि आप जाओ, मैं तो ये बात कहूंगा कि इस बार गरीब नवाज की बारगाह में अल्लाह पाक इतने बंदों को अपने भेजेगा कि ये दुनिया देखेगी कि दुनिया ने ख्वाजा मुइनुद्दीन की बारगाह में जाने के लिए लोगों को रोका, लेकिन अल्लाह पाक ने तौफीक दी है तो हर बार के उससे ज्यादा इस बार ख्वाजा की बारगाह में लोग हाजिर हो रहे हैं। समझ रहे हैं, क्योंकि वो गरीब नवाज की बारगाह है, वो सुल्तानुल हिंद की बारगाह है, वो अताए रसूल की बारगाह है। हमारा मरकज कल भी अजमेर शरीफ था, आज भी अजमेर शरीफ है, कल भी अजमेर शरीफ रहेगा। जरा जोर से बोलिए, हमारा मरकज कल भी अजमेर शरीफ था, आज भी अजमेर शरीफ है और कल भी अजमेर शरीफ रहेगा। क्यों क्यों क्यों? वजह उसकी यह है क्योंकि गरीब नवाज को सुल्तानुल हिंद मुल्ला ने नहीं, रसूल अल्लाह ने बनाया। और अगर हम गरीब नवाज के दर को छोड़कर कहीं और मरकज बना लें तो जिसकी इतनी हिम्मत है कि वो रसूल अल्लाह के फरमान से रूगरदानी करे तो वो कर सकता है, लेकिन हमें तो रसूल पाक ने अदब सिखाया है, हमारी माओ ने हलाल का दूध पिलाया है, हमारे बाप ने हलाल रिस्क खिलाया है, हम तो कभी ख्वाजा मुइनुद्दीन से बेवफाई नहीं कर सकते। हम तो जानते हैं कि गरीब नवाज की बारगाह ऐसी बारगाह है कि इस बारगाह के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गरीब नवाज का आस्ताना सलामत है, उनका गुलाम सलामत है, उनका ये मुल्क सलामत है, हमारे लिए बस इतना ही काफी।